राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा नहीं फकीर था, हिमाचल की तकदीर था। विकास का इतिहास रचाया था, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो लोगों से छूते नहीं है। पराक्रम प्रवाह कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की अस्थियों का कलश विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर की ग्राम पंचायत मंझेड़ा में पहुंचा। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने रामलीला ग्राउंड मंझेड़ा में पहुंचकर फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि दी एवं अंतिम दर्शन किए। इस दौरान स्थानीय विधायक यादविंद्र गोमा, जिला परिषद सदस्य संजय राणा, जिला उपाध्यक्ष जसवंत डवाल, स्थानीय पंचायत प्रधान रमेश चंद, पूर्व उप प्रधान प्रमोद चंद, विधानसभा जयसिंहपुर के कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रताप चंद, प्राक्रम बार सदस्य विजय कुमार, युवा रामलीला क्लब मझेड़ा के अध्यक्ष प्रदीप कोंडल एवं प्रधान अटल देव आदि मौजूद रहे। पूरे हिमाचल में समस्त जनता जो है वो शोकग्रस्त है। आज कलश यात्रा जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है और जसिमपुर विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले सुबह पंचुलखी में हमने कार्यक्रम किया, उसके उपरांत जालग में, उसके अभी बाद में भुहाना जोन में किया, अभी मझेड़ा में कर रहे हैं, इसके आगे दुगो में है, फिर टंबर में है और कल जो है हमने कार्यक्रम जो है आखिरी दर्शन उनके यहाँ पर जसिमपुर रामलीला कला मंच जो है उसमें दर्शनों के लिए रखेंगे। उसके उपरांत 11:30 बजे जो है कुंजेश्वर महादेव लंबा गांव में उनकी अस्थियों को जो है विसर्जित किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं वो लोगों से अछूते नहीं हैं और लोगों का भी उनके प्रति गहरा प्यार था और वो भी जब भी यहाँ पर आते थे तो ऐसा महसूस करते थे कि वे अपने परिवार के बीच में हैं और मझेड़ा पंचायत में उन्होंने हर उस काम को किया जो हमने समय समय पर उनसे मांगा और लोगों का भी प्यार और स्नेह जो है उनके प्रति बना रहा। राजा वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल की शान थे और 6 बार मुख्यमंत्री रहे और लोगों के दिलों की धड़कन थे और मैं खासकर यहाँ के स्थानीय विधायक पूर्व विधायक डॉक्टर मिल्खी राम गोमा, यादविंद्र गोमा जी, संजय राणा जी, इन सभी के सहयोग से राजा वीरभद्र ने जो हमारे ग्राम पंचायत मझेड़ा में जो एक विकास का इतिहास रचाया था उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, सदैव हम उनके आभारी रहेंगे। अपनी मझेड़ा पंचायत की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार में भगवान इसी प्रकार से नेक कामों के लिए उनको प्रेरित करते रहें और हम सदैव इनके मार्गदर्शनों के ऊपर सदैव चलते रहेंगे। इसी के साथ मैं पुनः इनको भावानी श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा नहीं फकीर था, हिमाचल की तकदीर था। राजा नहीं फकीर था, हिमाचल की तकदीर।